असलम एवरी वन दिस इज डॉक्टर सार चावला राइट आट यूर सर्विस आज मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि कहीं पी तो नहीं हो रहा डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है लीकी गट तो नहीं हो रहा है आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि घर बैठे हुए आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से बायोकेमिकल टेस्ट कराने हैं ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है ये जानना क्यों जरूरी है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है और इन्फ्लेमेशन के टेस्ट करवाने क्यों चाहिए आपको जितने भी आपके पास एन हैं नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज यानी वो बीमारियाँ जो छूत की नहीं है जिसमें डायबिटीज़ आ जाता है हार्ट डिजीज आ जाता है हाइपर आ जाता है हाइपर कोलेस्ट्रोलिनी आ जाता है यानी आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कैंसर आ जाता है एल्जाइमर्स आ जाता है इवन के मोटापा बिकॉज इज अ डिजीज इन सबकी जड़ क्या है इन सब की जो जड़ है वो सोज़िश है है वो इन्फ्लेमेशन इवन के से शुरू होते हैं आपके पास जब बॉडी में अनकंट्रोल्ड बेकाबू किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है तो अगर आप ये जज कर लें मैं इस पर पहले वीडियोज कर चुकी हूं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन के अर्ली साइंस क्या होंगे कौन से फूड उसको ट्रिगर करते हैं जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे नाम से इन वीडियोज को सर्च कर सकते हैं आज मैं बात करने लगी हूँ कि अगर आपको लैब टेस्ट करवाने हैं बिकॉज बायो मेरा सब्जेक्ट है बायो के टेस्ट करवाने हैं तो आप कौन से टेस्ट करवाएंगे लोग दो टेस्ट के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन और हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर कोई जाके दो या तीन सिगरेट भी पीता है ना या एग्जाम का स्ट्रेस भी लेता है तो भी उसके जिसमें में सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई हो जाता है इसलिए वो इतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं है इन्फ्लेमेशन का आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके में कई क्रॉनिक थोड़ी बहुत चलती बढ़ती इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रही जो इनमें से किसी भी बीमारियों की वजह बन सकती है जिनका मैंने नाम लिया है उसके लिए आप जो इंडिकेटर कराएंगे वो आप कराएंगे हाई सेंसिटिव सीर एक्टिव प्रोटीन और अगर इसके लेवल्स आपके पास वन मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ ब्लड से ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि ये परेशानी की बात है इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फ्लेशन क्रॉनिक है बहुत अरसे से चल रही है और डेफिनेटली किसी ना किसी बीमारी को जन्म देने वाली है और जैसे जैसे आपके पास इसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे उसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा आपके पास खतरा ज़्यादा है दूसरी चीज़ फास्टिंग इंसुलिन अब आप कहेंगे कि भाई सीरम फास्टिंग इंसुलिन का तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि अगर आपने प्री डायबिटीज़ चेक कराना हो आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स चेक कराने हों क्योंकि इंसुलिन और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हारमोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते यानी जितना इंसुलिन बढ़ेगा उतना कॉर्टिसोल या फिर अगर आपने जो है आ, अपनी पी सी उसकी क्राइटेरियाज मेजर करने हो तो क्योंकि उसके पीछे भी हाई इंसुलिन होता है तो आप कराते हैं तो इस केस में आप क्यों करा रहे हैं इन्फ्लेमेशन में बिकॉज आपके जो हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन के साथ और अगर आपका कॉर्टिसल ज्यादा है स्ट्रेस हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल रहा है ड्यूरल ग्लान से इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन भी जरूरत से ज्यादा हो रही है तो जो दूसरा और तीसरा टेस्ट आपने कराना है वो सीरम इंसुलिन है और वो कार्टिसोल है सीरम इंसुलिन अगर आपका टेन इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ऊपर है या इतना है इसका मतलब है में में है बॉडी में क्रॉनिक और इसको एड्रेस करना चाहिए अगर आप डायबिटिक नहीं है आपको पीसीओ नहीं है आप प्री डायबिटिक नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास दूसरी डेफिने की जो रीजन है वो निकल रही है कॉर्टिसोल क्यों कॉर्टिसोल इसलिए बिकॉज कार्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है और अगर वो जरूरत से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन भी ज्यादा होगी नेक्स्ट चीज जिसका आपने टेस्ट कराना है जो कि सबसे कदीम टेस्ट है वो है ई एस आर एरिडिमेंटे रेट यानी कितनी स्पीड से रेड ब्लड सेल्स फॉर्ड डाउन करते हैं एक सीधी वर्टिकल ट्यूब में अगर वो स्पीड आपके पास ज्यादा है 20 मिलीमीटर mm पर आर से इसका मतलब है कि जो डैमेज प्रोटीन्स हैं अनहेल्दी प्रोटीन्स हैं सोजिश करने वाले केमिकल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स में ज्यादा हैं और इसका मतलब है बॉडी में इन्फ्लमेशन इन्फेक्शन आपके पास ज्यादा है तो अगर आपके पास सिम्टम्स नहीं भी हैं और ये सारे मेजरमेंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ उसके साथ बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे दैट इज़ द सीरम फैरेटिन लेवल फैरेटिन हमारी बॉडी में वो प्रोटीन है जो कि आयरन को स्टोर करता है और फैरेटिन हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस खास करके बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं इनका बड़ा फेवरेट टारगेट होता है उनको बड़ा शौक होता है फैरेटिन से आयरन लेके अपना एक्शन परफॉर्म करने का तो उसके डिफेंस में आपके पास जब भी कोई इन्फेक्शन होती है इन्फ्लमेशन होती है खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो फेरेटिन लेवल्स बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं ताकि वो आयरन ना दे सकें अपनी तरफ से उन पैथोजेंस को उन बैक्टीरिया को और दूसरा जब आपके पास बॉडी में ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है यानी रेड ब्लड सेल्स का सेल्सडाउन भी हो सकता है तो उसकी वजह से भी फैरेटिन का एक सडन रिलीज होता है और फैरटिन लेवल ज्यादा हो सकते हैं अब मैं आपको लास्ट मार्कर बताने लगी हूँ जो मेरी लिस्ट पर है जो कि नेसेसरी आपको कराने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके लेवल ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दहानी कराती चलूँ कि मेरी ब्रांड हॉलिस्टिकाई सहर चावला ने पाकिस्तान में प्रीमियम हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं मेरी ब्रांड का जो लिंक है जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है येलो पट्टी में देख सकती है वहां आ रहा है जो फेसबुक वाली ऑडियंस है इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड डब्ल्यू का लिंक आ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे बेताशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो रेंज है आपके लिए डिफरेंट बीमारियों के इस्तेमाल के लिए और रेगुलर यूजेस के लिए भी जो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है लास्ट जिस चीज़ का मैं बताने लगी हूँ दैट इज फाइब्रनोजन फाइब्रिनोजन आपके पास एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के दौरान एक्टिवेटेड होता है लेकिन लेवल्स अगर ज्यादा हों तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन के साथ को रिलेट करते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्ट मार्कर्स नहीं है यानी जरूरी नहीं है कि आप जाके इसको इन्फ्लेमेशन के लिए मेजर कराएं मगर ये भी रेज होता है आपके पास इन्फ्लेमेशन में आई वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी एल सी गेट एन एनफॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज